और दूसरा ट्रेलर लॉन्च भी ऑब्वियसली सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखें, आखिर में बात करने का मसला ये होता है ना, सारी बातें हो चुकी होती हैं तो फिर अब मैं क्या कहूँ। लेकिन सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू थैंक यू गाइज, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ आने की, आप लोग घर में भी बैठ के देख सकते थे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप लोग आए यहाँ पे, आपने सपोर्ट किया, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर यू गाइज। दूसरा, सारी बातें हो गई एयरफोर्स के, वी आर वेरी थैंकफुल टू एयरफोर्स जो आपने जिस तरह अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस दिया, आई मीन वी वेरी थैंकफुल। देन मोमना भाभी, दुरैद भाई, then starting from there Asif bhai and the seniors obviously Meer saab, Marina baji, and then who else is there, meri amma Hina appa, they're the seniors, so we're very thankful. He's let the cat out of the bag. Maine kuch nahi bataya tha, isne bata diya. Itna khair hai, kaun sa koi twist hai you. So they were very loving, and then ab main ye keh sakta hu ki main bhi thoda sa senior hu, because you have the young people also in the film. Thank you. बिल्कुल, आपको पुराने चेहरे रिपीट होते नहीं नजर आएंगे। देर इज अहद, देर इज हानिया, देर इज कुबरा, देर द न्यू फेसेस, एंड देर इज अलमदार, साद, अरसलान, देर राइट देर, और कौन है, सबीना इज राइट देर, अदनान जाफर भाई, नहीं वो नए कहां से हो गए, अदनान जाफर भाई को कौन नहीं जानता। देन देर इज ऑल्सो विका जी हमारी जो है, किधर है, रेचल, विका जी इज ऑल्सो, सो यू सबीना तो वो बैठी हुई है, हैं? तो यू आर आल्सो गोइंग टू सी जो नए चेहरे हैं। सीक्रेट पार्ट ऑफ अ फिल्म। हाँ, ये हमारा छोटा छोटा खुफिया बम है जो हमने रखा है। शफात, 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 ही हैज बीन एंटरटेनिंग यू ऑन सोशल मीडिया, तो इसके अंदर भी कौन? सिकंदर। ओ हाँ, सॉरी, सिकंदर। ये चंगेजी, मुस्तफा चंगेजी, इज ही नॉट हियर? क्यों नहीं आए वैसे? हो? अच्छा? दे डोंट लाइक। तो हाँ, हैं? वो भी यंगस्टर है शमून भाई। तो यार मैं एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें। अब सबका नाम लो ना, हमजा। पॉइंट पे तो आने देना कि देखे, यू हैव द ओल्डर पीपल एंड देन यू हैव न्यू फेसेस एज वेल, रिलेटिवली न्यू, माशाल्लाह। आद एंड हानिया आर वेरी वेल नोन नाउ, दे आर नॉट न्यू एनीमोर, बट जेलसी कवर करना चाह रही हूं। मैं तारीफ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम लोगों की मां से अपील है, तुम लोग उसको तारीफ कर रहा हूँ मैं तुम लोगों की। तो ये भी देखने को मिलेगा। और दूसरा, मैं बड़े दिल की गहराइयों से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरा क्लीन शेव छलावा मुंह आपको देखना पड़ा, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ उसकी। और उसकी वजह ये थी कि देखें, अब आहद बहुत अच्छा लग रहा था क्लीन शेव, हानिया भी क्लीन शेव बड़ी अच्छी लग रही थी, जैसे आपने कहा ये तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब, क्योंकि मेरी अपनी अम्मी ने कहा ना मुझे देख के कि मनूस जी कुड़ी लगने जब अपनी जाती सगी माँ कह देना तो फिर आपको समझ जाना चाहिए। लेकिन उसकी वजह ये थी कि इस हालत में दाढ़ी के साथ, तो साथ आपके अब रोमांटिक इंटरेस्ट हानिया हो, हैं, और इस हालत में तो सर पे प्यार दे के मिलना चाहिए बजाय के नाच रहा हूँ मैं, तो मजबूरन शेव करनी पड़ी। एयरफोर्स वाले स्टबल अलाउ नहीं करते हैं सर, बड़ा कहा था मैंने, रिक्वेस्ट की थी, भीख मांगी थी, अल्लाह का वास्ता स्टबल रखने दें, तो उसकी माजरत चाहता हूँ मैं। लेकिन एक पॉइंट, बिकॉज बाकी सारी बातें हो गई हैं, शुक्रिया भी अदा हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन एक चीज व्हिच आई वांट टू से इज के देखें, ये इंडिया में भी ना अभी एक एयरफोर्स की मूवी बन रही है, इंडिया में जो एयरफोर्स की मूवी बन रही है उसका बजट कितना है भला? उसका बजट है पाकिस्तानी 90 करोड़, इंडियन 90 करोड़, विच इज हमारा तकरीबन कोई 150 करोड़ का बजट है उनका, इंशाल्लाह। ये पहले तो डैम बनाएंगे ना, ठीक है, पहले तो आप सारे डोनेट करें डैम्स के लिए जो चीफ जस्टिस ने शुरू किया। बट द पॉइंट इज, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वाई वी शुड बी सो 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 प्राउड ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, डिस्पाइट हमारे जो आपस में बातें होती हैं, क्रिटिसिज्म होता है उससे, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन इसलिए हमें बड़ा फख्र होना चाहिए क्योंकि वो लोग जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं, आप सोचे पाकिस्तानी 150 करोड़ रुपया कितना पैसा होता है आपके पास हो, अब उसके इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दैट, देखिए इंडिया में यूजली बजट सही होते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, जो हमारा 300 करोड़ बनता है, हमारे बजट जो है 10 करोड़, 8 करोड़ पाकिस्तानी, लेकिन उसमें भी आपको क्यों फखर ना हो कि जब हम इस तरह की फिर भी मूवीज बना रहे हैं, क्वालिटी ला रहे हैं,
जो आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। और इस साल भी, इस साल जैसे मेरी पर्सनल फेवरेट्स जो थी, देयर वाज मोटरसाइकिल गर्ल, मेरी मुझे बड़ी पसंद आई। आप पूरी दुनिया में वो दिखा सकते हैं, प्राउडली दिखा सकते हैं उसको। केक जो थी वो आप दिखा सकते हैं। और अब तीफा आ रही है, तीफा इन ट्रबल, जवानी फिर नहीं आनी टू आ रही है, देन देर इज लोड वेडिंग, देन देर इज ऑब्वियसली परवाज। ये वो फिल्में हैं जो जब आप क्योंकि देखते हैं ना, तो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये भी जेन में रखा करें कि किधर 150 करोड़ के बजट्स और कहां पे 8 करोड़ के बजट, 7 करोड़, 12 करोड़, और दिस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम 5 years अगो। सो जो आप देखें क्रिटिसिज्म भी करें, हम ये नहीं कहते हमने जुरासिक पार्क बना दिया है या हम स्टीवन स्पीलबर्ग ने सारे के सारे, बिल्कुल भी नहीं कहते। इसमें बड़ी खामियां भी होंगी, कई चीज हो सकता है ना अच्छी लगे आपको। ब्लॉगर से गुजारिश है, पर्सनल लेवल पे मत तनकीद किया करें, इस बात को रियलाइज किया करें कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके अंदर जो हमने पंगे लिए हुए हैं, इसको बड़ी हिम्मत चाहिए। और इन्हीं लोगों को इंशाल्लाह किसी सर्टन आदमी की जब हुकूमत आएगी हैं, तो नया पाकिस्तान जब बनेगा, और ये मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ, ये मुझे पता है जी पॉलिटिक्स पे बात ना करें, बिल्कुल गलत बात, करनी चाहिए, हर जगह करनी चाहिए। जब आएगी सिनेमास को इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। अगेन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर न्यूप्लेक्स, जो उन्होंने वहाँ पे 9 स्क्रीन्स खोली हैं जौहर के अंदर। अभी भी कराची को बहुत ज़्यादा सिनेमास की ज़रूरत है, वी नीड एटलीस्ट 100 सिनेमास इन कराची। तो ये जब इन्हीं को फैसिलिटेट करेंगे, इन्हीं डायरेक्टर्स को, इन्हीं एक्टर्स को, इन्हीं प्रोड्यूसर को, जब इनको फैसिलिटेट करेंगे, इनके बजट्स बढ़ेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले 15-20 साल के अंदर हम ऑस्कर्स लेके आएंगे पाकिस्तान, या आपको यकीन होना चाहिए इस बात के ऊपर। एंड विद दिस नोट, बिकॉज आई नो यू ऑल वॉन्ट टू लीव, मैंने ऑनेस्टली सोचा था ट्रेलर देख के निकल जाएंगे, हैं इधर तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और दफ़ा देखना चाहिए फिर मेरा ख्याल है, ज़रूरी है। बट अगेन गाइज थैंक यू सो मच। क्या जी जी, मैंने शुरू ही वहीं से किया था कि मुबारक हो। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं ये इस ट्रेलर के बाद होंगे, नहीं इस पे बोलना बड़ा जरूरी है, बाहर बोलना बड़ा जरूरी है, वो फिल्म शुरू होने रिगार्डलेस, एक नहीं नहीं एक सेकंड, इस पे बोलना जरूरी है, रिगार्डलेस ऑफ व्हिच एवर पार्टी यू सपोर्ट, जिस पार्टी को भी आप सपोर्ट करें, आप नून लीग को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। पिछले दो साल के अंदर मैं खुद निकला था पिछले 2 साल के अंदर, एक बंदा है जिससे पूछ रहे हैं यार ये कहाँ से आए अरबों रुपए के पैसे, वो सिर्फ मनी ट्रेल के तौर पे कतरी का खत देता है। मेरी नून लीग के लोगों से गुजारिश है, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, आज इसलिए हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया पाकिस्तान में, जहाँ पे फाइनली सिविल इदारे बड़े बड़े माफियाज का एहतसाब करेंगे। मुझे फ़ख्र है कि आज पाकिस्तान की बैनुल अक्वामी हेडलाइंस ये हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल्ड फॉर करप्शन इन पाकिस्तान, That sends a brilliant message abroad. So, बहुत खुशी का दिन है आज। चले उम्मीद करते हैं कि अब ये शुरुआत होंगी अच्छी फिल्म्स की भी और अच्छी सियासत की भी। फिल्म का ट्रेलर एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो रेड कार्पेट पे आप लोग कर सकते हैं, कास्ट से भी, टीम से भी। सो लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर वंस अगेन एंड देन हेड आउट टू द रेड कार्पेट। आमतौर पर लोग तो मेरे किचन